हेलो एवरीबॉडी, टुडे आवर टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ ते हानि। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, जेड़ी कीमत पे कोई भी चीज़ खरीदी जाती है वो की होता है कॉस्ट प्राइस, खरीद मुल। ठीक है, सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जेड़ी प्राइस से कोई भी चीज़ बेची जाती है उन्हों की बोलते हैं सेलिंग प्राइस, वेच मुल। ठीक है, मार्केट प्राइस, लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी वस्तु उपर जेड़ा प्राइस लेबल किया होंगे उन्होंने आप बोलते हैं मार्केट प्राइस। इनू आप सिंपल लिखेंगे, कोस्ट प्राइस में सी पी लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस में एस पी लिखेंगे, मार्केट प्राइस में आप एम पी लिखेंगे। नैक्सट है प्रॉफिट, प्रॉफिट में आप गेन भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट अपन उदों होएगा जो एस पी इज ग्रेटर दैन सी पी, सेलिंग प्राइस जो कोस्ट प्राइस तो ज़्यादा होएगा तो उदों अपन की होएगा प्रॉफिट, तो एस पी माइनस सी पी अपने को आ जाएगा प्रॉफिट। जे अपने कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है तो फिर की होएगा लॉस, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। हम कई बार अपन परसेंटेज पूछ लेंगे है, जिमें हमने इतने पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंट का फार्मूला अपने को है गेन अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन कोस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना है, चाहे लॉस परसेंटेज पूछन चाहे गेन परसेंटेज, तो नीचा हमेशा नीचे की आएगा कोस्ट प्राइस। नैक्सट है, कई बार आपां नूं की दिता होंदा सी पी दिता होंदा, प्रॉफिट परसेंटेज दिता होंदा, तो आपां नूं की पूछ लिया जांदा कि आपां इन्हां दा एस पी फाइंड करनी है। ठीक है, तो जदों आपां सी पी दिता है तो एस पी की आएगा सी पी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन की आएगा 100। जे अपन लॉस परसेंटेज दिता है तो जिथे प्रॉफिट परसेंट प्लस होंगे लॉस परसेंट की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नैक्सट जे अपन एस पी दिता आप सी पी फाइंड करना है तो आ जो फार्मूला है ये रिवर्स हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट की है नीचे आ जाएगा तो 100 उपर चले जाएगा, तो एस पी की होएगा मल्टीप्लाई, एस पी मल्टीप्लाई की आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो जे प्रॉफिट परसेंट की जगह तो लॉस परसेंटेज है तो की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नैक्सट है एम पी, जो एम पी की गल आती है तो उन्हें की होंगे डिस्काउंट, तो अपने को सेलिंग प्राइस दिता है आप मार्केट प्राइस फाइंड करना है तो फार्मूला की आएगा एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट अपन परसेंटेज से दिता होएगा। हम आप कुछ प्रॉब्लम्स इन्हें सॉल्व करेंगे। सपोज ए शॉपकीपर हैज़ बाउट ए 1 kg एप्पल फॉर 100 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 200 पर kg, हाउ मच इज़ प्रॉफिट बाय हिम। मान लो कि एक दुकान वाले ने 1 kg जेड़े आ वो एप्पल खरीदे है 100 रुपए के, तो उन्होंने 200 च बेच दिता है, मतलब कोस्ट प्राइस अपने को की है 100 है, खरीद मुल 100 है, तो सेलिंग प्राइस वेच मुल अपने को की है 200। आप फाइंड करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, 200 माइनस 100 तो इज इक्वल टू की 100। क्लीयर है, ये अपने को आ जाएगा प्रॉफिट। ये सिंपल फार्मूला, अपने को सेलिंग प्राइस दिता होया सी ते कोस्ट प्राइस दिता होया सी, दोनों नू माइनस करके अपने को आ गया प्रॉफिट। नैक्सट है, एल्फ्रेड बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 एंड स्पेंड 800 ऑन इट्स रिपेयर, इफ ही सेल्स अ स्कूटर फॉर रुपीज 5800 हिज गेन परसेंटेज। इतने आप फाइंड करना है गेन परसेंटेज। देखो ना, उन्हें पुराना स्कूटर 4700 का खरीदया है तो 800 की रुपया तो खर्च किया, तो टोटल जी कोस्ट प्राइस उन्होंने किन्नी आई 4700 प्लस 800 जो रुपेयर तो लाया वो भी कोस्ट प्राइस ऐड होएगा, तो टोटल किन्ना आ गया 5500। नैक्सट अपन सेलिंग प्राइस दिता है
स्कूटर का 5800। हुण देखो सेलिंग प्राइस जेड़ा अपना कोस्ट प्राइस तो ज़्यादा है तो आप ही फाइंड करना है गेन। तो गेन अपने को आएगा एस पी माइनस सी पी 5800 माइनस 5500 तक की आएगा 300। उन्होंने अपन पूछा है गेन परसेंटेज, तो जो गेन परसेंटेज फाइंड करना है तो उपर की आ जाता है गेन, नीचे अपने को आ जाता है सी पी मल्टीप्लाई की हो जाता है 100। इन्हों जीरो ना कैंसल जीरो कर देंगे तो 300 55 ना डिवाइड करके अपने को आ जाएगा 5/11%। क्लियर है, ये अपने को आ जाएगा गेन परसेंटेज। देखो अपन इतने दिता सी कि स्कूटर जोड़ा वै वो 4700 का उन्हें लिया, 800 रुपीयर से खर्च किया, इन्हें मतलब टोटल जो कोस्ट प्राइस अपने को आ गया 5500। नैक्सट दिता है इफ ही सैल्स द स्कूटर फोर 5800, इन्ना उनका सेलिंग प्राइस दिता सी, आपा गेन फाइंड कर लिया सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस करके, फिर गेन परसेंटेज पूछा सी अपने को, आपने इनका फार्मूला पता है ऊपर की आ जाता गेन नीचे आ जाता सी पी मल्टीप्लाई 100। क्लीयर, नैक्सट है इफ सेलिंग प्राइस इज डबलड द प्रॉफिट ट्रिपल फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, कि जे सेलिंग प्राइस डबल हो जाए प्रॉफिट की हो जाता है ट्रिपल हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा ना, तो आपको सेलिंग प्राइस दिता ना कोस्ट प्राइस, आप लैट कर लेंगे लैट कोस्ट प्राइस आप ले लिया एक्स, सेलिंग प्राइस ले लिया वाई, तो प्रॉफिट की आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस वाई माइनस एक्स। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या है कि जदों सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है 2y हो जाता है तो जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट की है वाई माइनस एक्स दिता है वह भी हो जाता है ट्रिपल हो जाता है, अपने को एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू की हों प्रॉफिट दें, तो इन आप सॉल्व कर लेंगे 2y माइनस एक्स जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 3x। हम एक्स वाले एक साइड से कर लेंगे तो इतने क्या आ जाएगा माइनस एक्स 3x इधर माइनस इधर आने के की हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 3y आ 2y उधर जाके की हो जाएगा माइनस, तो इतने अपने को आ जाएगा अपने को आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई, इट मीनस अपने को जरा सेलिंग प्राइस है वो अपने को आ गया 2x। आप फाइंड करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की आ जाएगा प्रॉफिट अपने को आ जाएगा सेलिंग प्राइस 2x माइनस कोस्ट प्राइस आप लैट किया एक्स, तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो अपने को आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये अपने को आ गया प्रॉफिट, एक्स अपने को प्रॉफिट आ गया। अपन उन्होंने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप किमें सॉल्व करते होंगे, उपर प्रॉफिट नीचे कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, एक्स ना एक्स कैंसल हो जाएगा तो कि अपने को आ जाएगा 100%। ये अपने को आ गया प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है, नेक्स्ट है ए मैन बाय ए फैन फोर 1000 एंड सेल इट एन लोज ऑफ 15%, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। हुण आपां नूं सेलिंग प्राइस पूछा, अपने कोस्ट प्राइस दिता है कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000, जिहड़ी टर्म दित्ती हुंदी है बाय जां परचेस्ड वो अपने कोल की हुंदा कोस्ट प्राइस, तो लोज परसेंटेज आपां दित्ता है 15%। सेलिंग प्राइस आपां फार्मूला पिछे लर्न किया कि हुंदा है कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जे लोज है तो लोज परसेंटेज की होएगा माइनस हो जाएगा, लोज परसेंटेज माइनस हो जाता है अपॉन की आ जाता है 100। ठीक है, इन्हें आप वैल्यू फिल कर देंगे की आ जाएगा 1000, कोस्ट प्राइस 1000 है ना, तो 100 माइनस लोज मतलब 100 माइनस 15 तो की आ जाएगा 85/100, आ कैंसल हो जाएगा की आ जाएगा 850 अपने को आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लीयर, अपने को दिता सी कोस्ट प्राइस दिता सी लोज परसेंटेज दिता सी उतों आप फाइंड कर लिया है सेलिंग प्राइस।
नेक्स्ट है फाइंड एस पी इफ सी पी इक्वल टू 1000 एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10। ये सेम पिछले वांगी है, एस पी फाइंड करना है, सी पी अपन दिता है 1000 मल्टीप्लाई प्रॉफिट जेड़ा प्लस हो जाता है, 100 च 10 प्लस होएगा तो की आएगा 110 अपॉन 100। इन्हों कैंसल कर दोगे की आ जाएगा 1100। ठीक है, क्लीयर। आप सिंपल एस पी फाइंड करनी सी तो सी पी दिती हुई सी, प्रॉफिट परसेंटेज की होंगे 100 प्लस हो जाता है तो 100 च 10 प्लस करोगे 110 आ जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द कोस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल 240। प्रॉफिट परसेंटेज दिता हुआ आप सेलिंग प्राइस आप फाइंड करना। देखो जोड़ा डिफरेंस है वो अपने को है सेलिंग प्राइस से कोस्ट प्राइस का डिफरेंस की होंगे प्रॉफिट, इट मीनस अपने को प्रॉफिट की दिता हुआ है 240, नाल ही अपन प्रॉफिट परसेंटेज भी दिता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का अपने को फार्मूला की होंगे प्रॉफिट अपॉन की होंगे कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिता अपने को 20 इज इक्वल टू 240 अपॉन कोस्ट प्राइस अपन नहीं दिता वो आप फाइंड करना मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आ कोस्ट प्राइस आप उधर ले जाएंगे कि आ जाएगा कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 240 आ 20 इधर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। इनू कैंसिल करोगे तो की आ जाएगा 12, कोस्ट प्राइस अपने को आ जाएगा 1200। उन्होंने अपन पूछा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तो अपने कोस्ट प्राइस आया ना, आप सेलिंग प्राइस फाइंड करना। जो हूँ अपने कोस्ट प्राइस आ गया, अपने को प्रॉफिट परसेंटेज दिती हुई है, तो सेलिंग प्राइस आप डायरैक्ट फार्मूला कर लेंगे कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 अपॉन की आ जाएगा 100। इनू कैंसल कर दोगे, 12 नू 120 ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आ जाएगा 1440 आंसर आ जाएगा। इन्हें अपन डिफरेंस दिता से सेलिंग प्राइस से कोस्ट प्राइस का, वो अपने को प्रॉफिट ना दिता से प्रॉफिट परसेंटेज। पहले आप कोस्ट प्राइस फाइंड किया, फिर आप सेलिंग प्राइस फाइंड किया। क्लीयर है? If the cost price of X article is equal to selling price of Y article, then profit percentage दी अपने को डायरेक्ट ट्रिक है। आप की करते हैं कोस्ट प्राइस जिन्ना अपने को दिता हुआ माइनस जिन्ना सेलिंग प्राइस दिता हुआ अपॉन की कर दें सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई की कर दें 100। इन इन ट्रिक नाल दे सामने वो आप नैक्सट वीडियो करेंगे, जिथे अपन दिता होंगे कि कोस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल जी है सेलिंग प्राइस दी होंगी वाई आर्टिकल की। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने लिए कोस्ट प्राइस चो सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन सेलिंग प्राइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।